मुझे किसी भी तरह कुछ भी करके इब्राहिम को पापा के लिए मनाना होगा। अगर मुझे इब्राहिम को हासिल करना है तो अब पहले उसके दिल में पापा के लिए कुत्सिया की वजह से जो पैदा हुई नफरत है उसे मिटाना होगा, वरना मेरे सारे किए किराए पर पानी भर जाएगा। लेकिन अब इस रिदा का क्या करूं? ये अचानक न जाने कहां से वापस आ गई और रिदा की कुत्सिया के साथ जितनी अच्छी दोस्ती है, कुत्सिया रिदा को सब कुछ बता देगी, वो सब जो मैंने इब्राहिम के बारे में उसे कहा था। बल्कि अब तक तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ बता चुकी होगी, और अगर रिदा ने इब्राहिम को वो सब कुछ बता दिया तो इब्राहिम तो मुझसे मिलना तो दूर, वो तो मुझसे बात भी नहीं करेगा। इब्राहिम का साथ हमेशा के लिए मुझसे छूट जाएगा, उसे पाने का मेरा ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाएगा और मैं इब्राहिम को कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगी। क्या करूं मैं, क्या करूं, कैसे रोकूं इस रिदा को इब्राहिम से मिलने से? कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, मगर मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ अली, एक अली है जो इस मामले में मेरी मदद कर सकता है। की कॉल। वाह, इसे आज तुम्हारी याद कैसे आ गई? हे अनाया, माय स्वीट हार्ट, कैसी हो तुम? इतने दिनों के बाद आज याद किया, खैरियत? मुझे तुमसे मिलना है अली। हाय, हम तो न जाने कब से राहों में खड़े हैं जनाब, आप बस हुक्म करें, बंदा सर के बल चल कर आएगा आपसे मिलने के लिए। बोलो तो अभी चलाऊं? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी पापा घर पर हैं और वैसे भी इस वक्त बहुत लेट हो जाएगा, बहुत रात हो चुकी है। क्यों, मुझसे रात में मिलने में कोई पाबंदी है क्या? उस इब्राहिम से तो तुम अली, अब अगर तुम्हें ऐसी बातें करनी है तो मेरा तुमसे मिलने का भी कोई फायदा नहीं है, फोन रखती हूँ मैं। अरे अरे अनाया, तुम तो नाराज ही हो गई यार, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था। तुम जब बोलोगी, जहाँ बोलोगी, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, कल सुबह मिलते हैं उसी रेस्टोरेंट में। जो हुक्म जनाब। खैरियत, ये क्यों तुझसे मिलना चाहती? ये तो कल मिलने के बाद ही पता लगेगा कि मिस अनाया उससे क्यों मिलना चाहती है।